अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमी फाउंडेशन स्कूल। होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हम साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे वो है यूनिट नंबर 11, फोर्स एंड मशीन्स, ताकत और मशीनें। फोर्स कॉजेस थिंग्स टू मूव, ताकत की वजह से चीजें हरकत करती हैं। फोर्स ताकत, व्हेन वी पुश अ ट्रॉली इट मूव, जब हम ट्रॉली को धक्का लगाते हैं तो वो हरकत करती है। व्हाट मेक्स द ट्रॉली मूव, क्या है जिसकी वजह से ट्रॉली हरकत करती है। What keeps an aeroplane in the air? क्या है जिसकी वजह से एरोप्लेन हवा में है। What cracks the shell of a nut? क्या है जो नट के छिलके को तोड़ता है। Each of the above examples involve some kind of movement. ऊपर दी गई तमाम मिसालों में कुछ किस्म की हरकत मौजूद है। And some kind of push or pull is needed to bring about the movement. धक्का देना और खींचने की जरूरत होती है हरकत लाने के लिए। दिस पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, ये धक्का देना और खींचना ताकत है। सम काइंड ऑफ फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट मूव्स, कुछ ताकत लगाई जाती है चीजों पर हरकत करवाने के लिए। वी कैन नॉट सी फोर्सेस, हम ताकतों को नहीं देख सकते। बट वी ऑफन कम अक्रॉस द यूज ऑफ फोर्स इन अवर डेली लाइफ, लेकिन हम ताकत का इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में। वॉट कैन फोर्स डू, ताकत क्या करती है। फोर्स कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील और ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट, हम ताकत को नहीं देख सकते लेकिन हम इसके असर को महसूस कर सकते हैं। फोर्स यूजुअली एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इन कॉन्टेक्ट विद देम और इट कैन एक्ट एट अ डिस्टेंस, ताकत आमतौर पर चीजों पर लगाई जाती है जब वो करीब होती हैं या एक फासले से भी ताकत चीजों पर लगाई जा सकती है। फोर्स कैन मेक ऑब्जेक्ट्स मूव फास्टर और स्लोअर और स्टॉप देम ऑल टुगेदर, ताकत चीजों की स्पीड को तेज कर देती है, स्लो कर देती है या स्टॉप कर देती है। प्लेस अ मीटर रूल ऑन अ टेबल, एक टेबल पर आपने मीटर रूल यानी स्केल रखना है। प्लेस अ टॉय कार अलोंग साइड इट एंड पुश इट, स्केल के एक साइड पे आपने टॉय कार रखनी है और उसे धक्का देना है। मार्क ऑन द मीटर रूल द पोजीशन वेयर द कार स्टॉप्स, और स्केल पे वो वाली पोजीशन को नोट करना है जहाँ पर कार स्टॉप हो गई। Place the car at the starting position again and push it harder this time. कार को दोबारा स्टार्टिंग पोजीशन पर रखना है और इस बार थोड़ा जोर से धक्का लगाना है। How far does it travel? कार ने कितना सफर तय किया? Has the car moved further this time? क्या कार ने इस दफा ज्यादा फासला तय किया। इफ यू पुश द मूविंग कार फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन व्हाट विल हैपन, अगर आप कार को मुखालिफ सिम्प से धक्का दें तो क्या होगा। द कार विल स्लो डाउन एंड विल फाइनली स्टॉप, तो कार की स्पीड कम हो जाएगी और वो स्टॉप हो जाएगी। दिस शोज दैट फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये जाहिर होता है कि ताकत चीजों की स्पीड को तब्दील कर सकती है। What do we mean by speed? हमारे स्पीड से क्या मतलब है? स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट अ थिंग इज मूविंग, स्पीड हमें बताती है कि चीज कितनी तेज हरकत कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ अ कार टेल्स अस हाउ फास्ट इट विल मूव इन अ सेट टाइम, मिसाल के तौर पर कार की स्पीड हमें बताती है कि वो एक फिक्स टाइम में कितनी तेज हरकत करेगी। सपोज अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ये सोचें कि एक कार 100 किलोमीटर की स्पीड से सफर तय कर रही है एक घंटे में। इट विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 1 आवर, तो उस कार ने 100 किलोमीटर का फासला तय किया एक घंटे में। इफ इट स्टेज एट दिस स्पीड, अगर वो इसी स्पीड के साथ हरकत करेगी। From the speed and the time, it is easy to work out how far the car will travel. Speed से और time से ये जानना आसान हो जाता है कि कार ने कितना फासला तय किया। We can say that, हम कह सकते हैं distance travel is equal to speed multiplied by time. अगर हमें फासला निकालना है कि कार ने कितना फासला तय किया है तो हम स्पीड को और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड इज ऑल्सो यूजफुल बिकॉज वी कैन यूज इट टू वर्क आउट हाउ लॉन्ग अ जर्नी विल टेक, स्पीड बहुत मुफीद है क्योंकि ये हमें मदद करती है जानने में कि कितनी देर में सफर तय होगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, अगर हमें टाइम निकालना है तो हम फासले को स्पीड से डिवाइड कर देंगे।
फोर्स कैन चेंज द शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ताकत से हम चीजों की शेप्स को तब्दील कर सकते हैं. व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड, अगर आप रबर बैंड को खींचें, व्हाट डू यू सी, क्या देखा? द रबर बैंड बिकम्स लॉन्गर, रबर बैंड लंबा हो जाएगा. दिस इज बिकॉज यू आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द रबर बैंड, ये इसलिए होगा क्योंकि आप रबर बैंड पर ताकत लगा रहे हैं. यू आर स्ट्रेचिंग इट, आप रबर बैंड को खींच रहे हैं. व्हेन यू स्क्वीज अ पीस ऑफ प्लास्टिसिन, अगर आप प्लास्टिक के पीस को दबाएं, व्हाट हैपेंस टू इट, उसके साथ क्या होगा? द प्लास्टिसिन लूजेस इट्स शेप, प्लास्टिक अपनी शेप खो देगा. इट इज कंप्रेस्ड बाय द फोर्स ऑफ योर हैंड, प्लास्टिक का पीस दब जाएगा आपके हाथ की ताकत से. इफ यू स्क्वीज अ पीस ऑफ स्पंज, अगर आप स्पंज के पीस को दबाएं, व्हाट हैपेंस, क्या होगा? Does the shape of the sponge change? क्या स्पंज की शेप चेंज होगी? Stop squeezing the sponge. स्पंज को दबाना रोक दें. What happens? क्या हुआ? Does it shape change? क्या शेप चेंज हुई? From the above example, we can see that force can change the shape of an object. ऊपर दी गई मिसालों से हम ये देख सकते हैं कि ताकत चीजों की शेप को भी चेंज कर सकती है. फोर्स कैन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, ताकत चीजों पर फासले से भी लग सकती है. प्लेस अ मैग्नेट नियर टू सम पिन्स, कुछ पिन्स के करीब एक मैग्नेट रखें. यू विल सी द पिन्स जंप एंड स्टिक टू द मैग्नेट, तो आप देखेंगे कि पिन्स जंप कर रही हैं और मैग्नेट से चिपक रही हैं. व्हाट कॉजेस दीज पिन्स टू जंप, क्या है जिसकी वजह से पिन्स जंप कर रही हैं? अ कॉइन फॉल्स टू द ग्राउंड बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन इट, सिक्का जमीन पर गिरता है क्योंकि जमीन की कशिश उस पर लगती है और वो सिक्के को अपनी तरफ खींचती है. We can see that force can also act on object from a distance. हम ये भी देख सकते हैं कि ताकत चीजों पर एक फासले से लग रही है. Machines, we use machines all the time. हम मशीनें हर वक्त इस्तेमाल करते हैं. They are everywhere, at home, at work, on the roads, in the sea and the air. मशीनें हर जगह मौजूद हैं, घर पर, जहां काम करते हैं वहां, रोड्स पर, समंदर में और हवा में. A bicycle, a car and an aeroplane are all machine. Cycle, car, aeroplane, तमाम मशीनें हैं. We use many machines at home. हम घर पर बहुत सी मशीनें इस्तेमाल करते हैं. A sewing machine, a washing machine, a clock, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन और घड़ी. मशीन मेक अवर वर्क easier, but they cannot work by themselves. मशीन हमारे काम को आसान बनाती हैं, लेकिन ये खुद से काम नहीं कर सकती. दे नीड सम काइंड ऑफ फोर्स टू मेक देम मूव एंड वर्क, मशीनों को कुछ ताकत की जरूरत होती है हरकत करने के लिए और काम करने के लिए. अ मैनुअल स्विंग मशीन नीड्स द पावर ऑफ योर आर्म, हाथ से चलाई जाने वाली सिलाई मशीन को आपके हाथ की ताकत की जरूरत होती है. अ वॉशिंग मशीन यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, वॉशिंग मशीन बिजली इस्तेमाल करती है. अ कार यूजेस द एनर्जी इन पेट्रोल, कार तवनाई इस्तेमाल करती है पेट्रोल से. एंड अ स्टीम इंजन यूजेस द पावर ऑफ स्टीम टू वर्क, और स्टीम इंजन भाप की ताकत को इस्तेमाल करती है काम करने के लिए. मशीन्स नीड एनर्जी, मशीनों को तवनाई की जरूरत होती है. All machine need energy to turn the moving part inside them. तमाम मशीनों को तवनाई की जरूरत होती है ताकि उसके अंदरूनी parts हरकत कर सकें. Energy enables the machine to do useful work. तवनाई मशीन को मुफीद काम करने के काबिल बनाती है. All machine need a steady supply of energy to keep them working. तमाम मशीनों को तवनाई की सप्लाई की जरूरत होती है काम करने के लिए. Simple machines, you are using a simple machine when you cut paper with a pair of scissors. आप simple machine इस्तेमाल करते हैं जब आप पेपर को कट करते हैं कैंची से. Use a spoon to lift the lid of a tin can. चम्मच का इस्तेमाल करते हैं कैन के ढक्कन को ऊपर करने के लिए. और कट एन एप्पल विद अ नाइफ, और सेब को काटने के लिए छुरी का इस्तेमाल करते हैं. अ सिंपल मशीन हेल्प्स टू मेक योर वर्क ईजियर, सिंपल मशीनें आपके काम को आसान बनाने में मदद करती हैं. इट कैन टर्न द फोर्स ऑफ योर हैंड इनटू अ फॉर्म ऑफ मूवमेंट दैट हेल्प्स यू टू डू वर्क, ये आपके हाथ की ताकत को हरकत में तब्दील कर देती हैं और मदद करती हैं काम करने में. काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन्स,
लिवर, व्हेन अ स्पून इज यूज्ड टू ओपन द लिड ऑफ अ कैन, जब आप कैन के ढक्कन को खोलने के लिए स्पून इस्तेमाल करते हैं, द स्पून इज एक्टिंग एज अ सिंपल मशीन कॉल्ड अ लिवर, तो स्पून सिंपल मशीन की तरह काम करता है जिसको लिवर कहते हैं। इफ यू ट्राई टू ओपन अ टिन कैन विद योर फिंगर्स, अगर आप अपने फिंगर से कैन को ओपन करने की कोशिश करें, यू विल हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स, तो आपको बहुत सारी ताकत लगानी पड़ेगी। A spoon acting as a liver makes your work easy. चम्मच लिवर की तरह काम करती है और आपके काम को आसान बनाती है। A liver has an arm that can turn on a point called a fulcrum. लिवर का आर्म एक फिक्स पॉइंट से टर्न करता है जिसको फलकरम कहते हैं। When you fit one edge of the spoon under the lid, जब आप चम्मच के एक कोने को कैन के नीचे रखते हैं, the edge of the can is the फलकरम, तो कैन का कोना फलकरम होगा। The downward force of your hand on the handle is the effort being applied, आपके हाथ की निचली ताकत जो हैंडल पर लग रही है वो कोशिश होगी। It pushes the end of the spoon under the lid. लोड अप, ये चम्मच के एंड को धक्का देगी कैन के नीचे से और वजन ऊपर हो जाएगा। अ सीसॉ, अ व्हील बैरो एंड अ पेयर ऑफ सीजर्स आर ऑल लेवर्स, नीचे सीसॉ, सीजर्स और व्हील बैरो बनी हुई हैं, ये तमाम लीवर्स की एग्जांपल्स हैं। लिवर सिस्टम इन अवर बॉडीज, देयर आर मैनी लिवर सिस्टम इन अवर बॉडीज टू, हमारी बॉडीज में भी बहुत सारे लिवर सिस्टम्स हैं। दी एल्बो एंड एंकल ज्वाइंट्स आर टू एग्जाम्पल, कोहनी और टखने के ज्वाइंट दो मिसालें हैं, कोहनी और टखने के ज्वाइंट दो मिसालें हैं। In the elbow, the joint acts. In the elbow, the joint acts as a fulcrum, and the weight of the forearm and the object held by the forearm acts as a load. आपके हाथ का वजन और हाथ के जरिए रखी गई चीज का वजन लोड है। The effort is applied by the two muscles in the upper arm. आपके ऊपर के दो पट्टे जिन पर कोशिश लग रही है वो एफर्ट है। Forces work in pairs. ताकतें pairs में काम करती हैं। Forces always works in pair. ताकतें हमेशा pair में काम करती हैं। Action and reaction work in opposite direction. Action और reaction मुखालिफ सिमत में काम करती हैं। The principle is used in space rockets and jet planes. ये कानून इस्तेमाल किया जाता है space rockets में और jet planes में। Their engines expel hot gases and the reaction pushes them in the opposite direction. इनके इंजन गर्म गैसेस को बाहर फेंकते हैं और रद्दे अमल में वो गैसेस मुखालिफ सिमत में धकेल दी जाती हैं। मसल्स ऑल्सो वर्क इन पेयर्स, पट्टे भी पेयर्स में काम करते हैं। वेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है द अदर रिलैक्सेस, तो दूसरा मसल रिलैक्स हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स वी कैन मूव अवर आर्म्स एंड लेग्स इजीली, मसल्स की मदद से हम अपने हाथों को और लेग्स को आसानी से हरकत करवा सकते हैं। पुली चरखी, अ पुली इज अ सिंपल मशीन विच इज मेड अप ऑफ व्हील्स, पुली भी एक सिंपल मशीन है जो व्हील से बनी है। द व्हील ऑफ अ पुली टर्न्स ऑन एन एक्सल, पुली का व्हील एक पॉइंट से टर्न करता है जिसको एक्सल कहते हैं। देयर इज अ ग्रूव अराउंड द रिम ऑफ द पुली विच होल्ड्स अ रूप, पुली के किनारे पर एक नाली है जिस पर रस्सी लिपटी हुई है। व्हेन द रोप इज पुल्ड, जब हम रस्सी को खींचते हैं, द पुली लिफ्ट्स द हैवी लोड, तो पुली भारी सामान को ऊपर उठाती है। यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके बाद चैप्टर की एक्सरसाइज है। नंबर वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर टू, फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ विल डिस्कस वीकली होमवर्क असाइनमेंट नंबर 17। इस असाइनमेंट में हमने फोर्स एंड मशीन चैप्टर को पढ़ना है, विच इज यूनिट नंबर 11। टास्क नंबर 1 में आपने चैप्टर की रीडिंग करनी है और टाइटल पेज बनाना है। टास्क नंबर 2 में आपने गिवन वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं। टास्क नंबर 3 में आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। टास्क नंबर 4, चूज द बेस्ट आंसर। टास्क नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। टास्क नंबर 6 में आपने एक्टिविटी करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द टास्क नंबर 1। रीडिंग आपने कर ली, अब टाइटल पेज बनाएंगे। ओपन योर कॉपी एंड मेक अ टाइटल पेज। यूनिट नंबर 11, फोर्स एंड मशीन्स, डेट नोट करेंगे। टास्क नंबर 2, राइट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, दिए गए अल्फाज
क्लास के मीनिंग लिखेंगे, वर्ड्स मीनिंग का कॉलम बनाएंगे, फोर्स मीनिंग ताकत कुवत, डिस्टेंस मीनिंग फासला, पुली मीनिंग चरखी, एफर्ट मीनिंग कोशिश, लोड मीनिंग वजन, प्रिंसिपल मीनिंग असूल, स्टीम मीनिंग भाप, लिफ्ट मीनिंग उठाना। टास्क नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स बुक में ही करनी है, पेज नंबर 90 और 91 पर। ओपन योर बुक, फिल इन द ब्लैंक्स। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। ताकत हरकत करने वाली चीजों की स्पीड को और सिम्त को चेंज कर सकती है। द काइंड ऑफ फोर्स विच अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ डाउनवर्ड इज कॉल्ड ग्रेविटी। वो ताकत जो चीजों को जमीन की तरफ खींचती है उसे ग्रेविटी कहते हैं। द टर्निंग पॉइंट ऑफ अ लिवर इज कॉल्ड फलक्रम। वो पॉइंट जहाँ से लिवर टर्न करता है उसे फलक्रम कहते हैं। द एंकल ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिवर सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। टखने का ज्वाइंट एग्जाम्पल है लिवर सिस्टम का आपकी बॉडी में। द मूवमेंट अबाउट अ ज्वाइंट इज ब्रॉट अबाउट बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। जोड़ों की हरकत मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होती है। द वे योर फोरआर्म मूव्स इज द सेम एज अ लिवर। आपका हाथ जिस तरह हरकत करता है वो सेम लिवर की तरह है। फोर्स एक्ट इन पेयर सो डेट द फोर्स ऑफ एक्शन इज अपोजिट टू द फोर्स ऑफ रिएक्शन। ताकतें पेयर में लगती हैं तो फोर्स ऑफ एक्शन अपोजिट होता है फोर्स ऑफ रिएक्शन के। पुली इज अ सिंपल मशीन विच इज मेड ऑफ व्हील्स। चरखी एक सिंपल मशीन है जो व्हील से बनती है। टास्क नंबर 4 चूज द बेस्ट आंसर। हेडिंग आएगी चूज द बेस्ट आंसर या चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, अ लिवर हैज एन आर्म दैट कैन टर्न ऑन अ पॉइंट कॉल्ड फलक्रम। ऑप्शंस फलक्रम, लोड। लिवर का आर्म एक फिक्स पॉइंट से टर्न करता है जिसे फलक्रम कहते हैं। नंबर 2, एक्शन एंड रिएक्शन वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑप्शन सेम अपोजिट। एक्शन और रिएक्शन मुखालिफ सिम्त में काम करती हैं। नंबर 3, अ पुली इज अ सिंपल मशीन। ऑप्शन सिंपल कॉम्प्लिकेटेड। पुली सिंपल मशीन है। नंबर 4, अ सीसॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिवर। ऑप्शन लिवर पुली। सीसॉ लिवर की मिसाल है। नंबर फाइव, फोर्स कॉज थिंग्स टू मूव। ऑप्शन मूव स्टे। ताकत की वजह से चीजें हरकत करती हैं। टास्क नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। हेडिंग आएगी क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फोर्स, ताकत क्या है। आंसर, फोर्स इज पुश और अ पुल विच इज नीडेड टू ब्रिंग अबाउट सम काइंड ऑफ मूवमेंट। ताकत धक्का देना और खींचना है जिसकी जरूरत होती है हरकत करवाने के लिए। नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय स्पीड, स्पीड का क्या मतलब है। आंसर, स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट अ थिंग इज मूविंग। स्पीड हमें बताती है कि चीज कितनी तेज हरकत कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज लिवर, लिवर क्या है। आंसर, लिवर इज अ सिंपल मशीन विच इज यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। लिवर एक सिंपल मशीन है जो इस्तेमाल की जाती है भारी सामान को उठाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी यानी जमीन की ताकत क्या है। आंसर, एवरीथिंग ऑन अर्थ इज पुल्ड डाउनवर्ड बाय अ स्पेशल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। तमाम चीजें जमीन पर नीचे की तरफ खींचती हैं एक खास ताकत की वजह से जिसे ग्रेविटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मशीन, मशीन क्या है। आंसर, मशीन मेक्स अवर वर्क इजियर बट दे कैन नॉट वर्क बाय देमसेल्व्स। मशीन हमारे काम को आसान बनाती हैं लेकिन मशीन खुद से काम नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज पुली, पुली क्या है। आंसर, अ पुली इज अ सिंपल मशीन विच इज मेड अप ऑफ व्हील्स। पुली एक सिंपल मशीन है जो व्हील से बनी है। टास्क नंबर 6, एक्टिविटी, ड्रॉ एनी वन सिंपल मशीन ऑन कंप्यूटर पेपर एंड पेस्ट इन कॉपी। आपने किसी भी एक सिंपल मशीन को ड्रॉ करना है कंप्यूटर पेपर पर और फिर उसे कॉपी में पेस्ट करना है। सबसे पहले एक्टिविटी की हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और नीचे कंप्यूटर पेपर पर बनाई गई सिंपल मशीन को पेस्ट कर देंगे। एक्टिविटी करने के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
लास्ट में हम चैप्टर का इंडेक्स बनाएंगे, यूनिट नंबर 11, फोर्ट्स एंड मशीन, वर्ड स्पिनिंग, चूज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर, जिस डेट को जो काम किया है वो डेट लिखेंगे, पेज नंबर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।